चलो हम अभी यू लिखना सीखते हैं। यू लिखने के लिए हमें क्या क्या बेसिक स्ट्रोक्स चाहिए? यू लिखने के लिए हमें स्टैंडिंग लाइन चाहिए और लोअर कर्व चाहिए। तो चलो हम पहले स्टैंडिंग लाइन प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टैंडिंग लाइन प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है हमें? इसे यहाँ अपर लाइन से स्टार्ट करना है और ये डॉट को फॉलो करते हुए ऐसे नीचे की तरफ आना है लोअर लाइन तक। तो ये बन गया हम लोग का स्टैंडिंग लाइन। तो चलो ऐसे ही बाकी का प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। ये हो गया हम लोग का स्टैंडिंग लाइन। चलो हम अभी लोअर कर्व प्रैक्टिस कर लेते हैं। लोअर कर्व के लिए क्या करना है हमें? ऐसे यहाँ से मिडिल लाइन से स्टार्ट करना है और ऐसे टच करते हुए लोअर लाइन को ऐसे मिडिल लाइन तक आना है। तो ये बन गया हम लोग का कर्व। तो ऐसे ही हम बाकी का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। तो अभी तो चलो स्टैंडिंग लाइन और कर्व को मिला के हम यू लिखते हैं। तो यू लिखिए, ऐसे हो गया हम लोग का यू। तो यू लिखने के लिए हम क्या करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है स्टैंडिंग लाइन, नीचे की तरफ आके यू बनना है, लोअर कर्व करना है और ये लोअर कर्व कंटिन्यू होते होते यहाँ से स्टैंडिंग लाइन बन लेके यू बन गया। वैसे आएगा स्टैंडिंग लाइन, लोअर कर्व और स्टैंडिंग लाइन यू। वैसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टैंडिंग लाइन, लोअर कर्व, स्टैंडिंग लाइन यू। तो ये हम लोग का बन गया यू। कीप प्रैक्टिसिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स। चलो हम अभी भी लिखना सीखते हैं। तो भी लिखने के लिए हमें क्या क्या बेसिक स्ट्रोक्स चाहिए? भी लिखने के लिए हमें लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन। तो चलो हम ये स्लैंटिंग लाइन्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट लाइन के लिए, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन के लिए यहाँ से स्टार्ट, स्टॉप, ऐसे। तो ऐसे बाकी का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। तो चलो फिर हम दूसरा वाला भी स्लैंटिंग लाइन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये राइट स्लैंटिंग लाइन यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हुए यहाँ से ऐसे यहाँ तक आएगा। ये हो गया हम लोग का राइट स्लैंटिंग लाइन। बाकी का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। तो चलो हम अभी राइट स्लैंटिंग लाइन और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन को मिला के भी लिखते हैं। तो भी लिखने के लिए हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। अभी भी लिखने के लिए चलो चलो हम फिर भी लिखते हैं ये लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन और राइट स्लैंटिंग लाइन को मिला के। तो भी लिखने के लिए हम क्या करना है? इसे यहाँ से शुरू करना है, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन बनाना है और नीचे के पे टच करना है लोअर लाइन में। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, इसे राइट स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए ऊपर को टच करना है। ओके, तो हम फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। भी स्टार्ट, स्टॉप, भी
तो ये हमने सीख लिया भी लिखना। तो भी लिखने के लिए हम क्या क्या चाहिए था, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, तो ये दोनों को मिला के हम लोगों ने भी लिख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो किड्स, चलो हम अभी W लिखना सीखते हैं। W लिखने के लिए हमें क्या क्या बेसिक स्ट्रोक्स चाहिए, स्लैंटिंग लाइन चाहिए, वो भी राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। तो ये हम लोग का है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन और ये है राइट स्लैंटिंग लाइन। तो हम ये दोनों को मिला के अभी W लिखेंगे। तो पहले हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा नीचे की तरफ, हो गया। तो ऐसे ही हम बाकी का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। तो चलो हम फिर राइट स्लैंटिंग लाइन प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। तो ये हमने प्रैक्टिस कर लिया लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन और राइट स्लैंटिंग लाइन। तो चलो अब ये दोनों को मिला के हम W लिखते हैं। तो W के लिए चलो इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो हम दोनों कैसे मिलाएंगे, यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे, ओके। तो ये हम लोग का हो गया लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन। तो ये हम लोग का हो गया W। हम फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। W, keep practicing, please like and subscribe my channel।